हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। गर्मियाँ आ गई हैं, आजकल कुछ ठंडा ठंडा बच्चे खाने को मांगते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये एक भिगोना लिया है, जो पतीला जिसमें हम चाय बनाते हैं, उसके अंदर एक कप दूध डाल देंगे, 1/4 कप कोको पाउडर। दूध हमने ठंडा ही लिया है। आधा कप चीनी, शुगर पाउडर है, इसी चीनी को मैंने पीस के इसका पाउडर बना लिया। अब इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दूध के अंदर कोको पाउडर और चीनी मिक्स हो जानी चाहिए। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है, इसी तरह से इसको हम बर्तन में इसको मिक्स कर रहे हैं। अब ये देखिए, हमारा कोको पाउडर मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी और उसको भी मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको मिक्स करेंगे और हिलाते रहेंगे गाढ़ा होने तक, इसको हम पका लेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे अच्छी तरह से ये मिक्स हो रहा है, इसमें शाइनिंग भी आ रही है और ये थोड़ा गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है और इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है। ये देखिए, इसके अंदर बबल्स उठ रहे हैं। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमने इसको और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। अभी ठंडा होएगा तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। बस ये देखिए, इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे एक साइड पर। जब तक ये ठंडा होता है, अब हम एक बॉल लेंगे जिसको हमने चिल्ड कर लिया है। पहले फ्रीज़र में रख लिया था 5-10 मिनट, तो ये देखिए ये अच्छी तरह चिल्ड हो गया है। अब हम इसमें 1 कप व्हिप क्रीम डाल देंगे और इसको विस्कर की सहायता से या फिर आप इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से इसको बीट कर सकते हैं। मैं आज इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको बीट करना है जब तक कि इसकी हार्ड पीक ना बन जाए। 5-7 मिनट लगेंगे इसको। अच्छी तरह से हम रुक रुक के बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। जो व्हिप क्रीम है वो भी ठंडी होनी चाहिए, बॉल भी चिल्ड होना चाहिए, वो भी ठंडा होना चाहिए। देखिए धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारी हार्ड पीक बन गई है। मतलब इसको हमें ऊपर उठाने के बाद भी जहाँ पर पीक्स हैं वो वहीं पर ही स्टिक हैं और ऊपर से भी हमारी व्हिप क्रीम नीचे नहीं गिर रही है। इसका मतलब कि व्हिप क्रीम हमारी सारी अच्छी तरह व्हिप हो गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने कोको पाउडर का घोल बना के रखा था वो डाल देंगे। ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद ही डालना है इसको। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर एक बार विस्कर को चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह सारा बैटर मिक्स हो गया। स्प्रेचुला की सहायता से साइड से हम इसको निकाल के बीच में मिक्स कर लेंगे, अगर साइड पे लगा हुआ है तो। बस अब हमने इसको इतना ही व्हिप करना है। अब ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। थोड़े से हम इसमें चोको चिप्स डाल देंगे, इस ये मुँह में आते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। और इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। एक कंटेनर लेंगे, एयर टाइट कंटेनर, और उसके अंदर हम ये सारा बैटर डाल देंगे। ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है। अभी से सारी साइड स्प्रेड कर लेंगे और थोड़े से चोको चिप्स इसके ऊपर भी गार्निश कर देंगे और इसको फ्रिज में 8-10 घंटे के लिए जमने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए हमारे 10 घंटे हो गए हैं। अब हमारी आइसक्रीम जो है अच्छी तरह से जम गई है और बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम जमी है। इसको हम एक स्कूपर की सहायता से ये देखिए इस तरह से निकालेंगे। कितनी क्रीमी और सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। थोड़े से चोको चिप्स ऊपर डाल देंगे गार्निश करने के लिए। और ये देखिए हमारी कितनी आसान चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। बाजार से कई गुना स्वाद घर में बनती है। ये हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।